दिनांक 2 अप्रैल 2023 को प्रखंड बाराचट्टी जिला गया बिहार में अखिल भारतीय दांगे संघ का एक दिवसीय सम्मेलन परामर्श संघ युवा ग्राम शोभ में समस्त ग्रामीणों के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना व समाज में फैली कुरीतियों पर समाज के प्रत्येक घर को शिक्षा से जोड़कर समाज को आगे बढ़ाना है। इस अवसर पर विभिन्न विचारधारा को एक सही विचारधारा में बदलना। इस मौके पर उपस्थित होकर दांगी समाज के चेयरमैन श्री मोती प्रसाद, पूर्व विधायक श्री अभय कुशवाहा व पूर्व MLC उपेंद्र प्रसाद व गुड्डू कुमार और टिंकू कुमार सारे लोग शामिल हुए। इन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विचारधाराओं को समेटकर एक मूल विचारधारा पैदा करना है, जिसमें समाज, राज्य एवं देश आगे बढ़े। इस दृढ़ संकल्प के साथ दांगी समाज के सभी के सम्मान करता रहेगा, ताकि सुंदर, सभ्य व शिक्षित समाज व सांस्कृतिक समाज का निर्माण हो सके। भारतीय दांगी संघ में आप आए हैं, क्या है संकल्प? अखिल भारतीय दांगी संघ का आज एक दिवसीय यहाँ पे सम्मेलन है श्रीघाटी अनुमंडल के बाराचट्टी प्रखंड में, और इस सम्मेलन में जो भी इस समाज के जो भी मेधावी छात्र हैं और जिन्होंने सफलता हासिल किया है, जैसे BPSC की परीक्षा में जो सफलता हासिल की है, दरोगा में जो सफलता हासिल की है, और भी अन्य जगहों पर जो सफलता हासिल किए हैं, जैसे आप अभी सुन भी रहोगे कि मैट्रिक में 96% के बच्चों ने मार्क्स लाए, उन सभी लोगों को आज ये सम्मानित करने का काम भी कर रहे हैं। और दांगी संघ के बैनर पर आज दांगी संघ मंझार में 100 अखिल भारतीय दांगी संघ की जो आज सम्मेलन कर रहे हैं, क्या है इसका उद्देश्य? क्या है इसका उद्देश्य? है जो हमारा समाज दबा कुचला है, इसमें सम्मेलन के माध्यम से जागृति पैदा करना है। हमारा जो अंधविश्वास पर समाज चल रहा है, उसका मुक्ति कराना है। इस प्रकार के समाज में बहुत तरह के अवैधानिक कार्य, उसको रोकना है और समाज के जागरूक कर करके समाज के नए दिशा में आज जो चल रहा है उसमें हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। नाना प्रकार का जो त्रुटियाँ हैं, इसे मुक्ति कराना है समाज को। क्या सरकार से कुछ मांगे भी रखेंगे? हमारी मांगे तो कुछ मिला है, और जो मांगे मिली है उसी मांगे में थोड़ा त्रुटियां है। जैसे आरक्षण मिला दांगी समाज को, तो आज का डेट में जो विभिन्न प्रखंड के पदाधिकारी हैं या बड़े पदाधिकारी, हम गुहार लगा रहे हैं लेकिन हमारे अनुकूल से वो कार्य नहीं हो रहा है। इसकी भी जरूरत है कि हम सम्मेलन के माध्यम से हम सरकार के जो अंग है उनको अवगत कराना चाहते हैं, हमारा समस्या को समाधान करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोती प्रसाद हुआ, चेयरमैन दांगी कमेटी गया। हमें आरक्षण का तो लाभ मिला है, लेकिन जाति सर्टिफिकेट बनाने में जो त्रुटियां है उसको और सरल बनाया जाए, वैसी कोई प्रक्रिया अपनाई जाए, इसके लिए भी सरकार का और प्रशासन का ध्यान अपनी आकर्षित करने का एक मकसद यह भी है। दूसरी बात, जो समाज में जो कुरीतियां रहती है, दहेज का, अशिक्षा का, इस ढंग से जो भी विभिन्न तरह की जो कुरीतियां हैं, इसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है, कुरीतियां को समाज से हटे इस पर विचार होता है। इस सारे चीज़ों के लिए समाज के लोगों को यहाँ बैठाया गया है, और डॉक्टर लोहिया का भी यही सपना होता था कि जो देश में जो वर्षों से आर्थिक, सामाजिक